अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स में ज्यादातर एक खास सोच पाई जाती है कि जिन कॉइन्स में बर्निंग का एलिमेंट ज्यादा तेज होता है उनके प्राइस लाजिम शूट करते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि बारहा जब भी किसी कॉइन में बर्निंग का प्रोसीजर पूरा किया जाता है तो उसकी कीमत में हमें इजाफा देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह शिबा इनू, जिसकी कम्युनिटी इस वक्त लाखों में पहुंच चुकी है, उसके यूजर्स को इंतजार है कि क्या शिबा इनू की बर्निंग के बाद अब कल को यानी कि 14 फरवरी को इसकी कीमत कहां तक पहुंच सकती है। इसके सवालात कि अगर हम आज बाइंग कर लें तो क्या हमें कल को इसके प्राइस में बूस्ट देखने को मिल सकता है। इस तरह के कई सवालात इस वक्त मार्केट में सर्कल कर रहे हैं और इन्हीं का सामना हमें भी है। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा शिबा इनू से लेकर के इसके ओनर की तरफ से आने वाले कुछ ट्वीट, और क्योंकि शिबा इनू की तरफ से बर्निंग का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है और क्या होगी इसकी प्राइस अगर आप आज की डेट में थोड़ी सी लालच करते हैं और आप ज्यादा पैसों की बाइंग कर लेते हैं इस सोच से कि कल बर्निंग के प्रोसीजर के बाद ना जाने शिबा इनू कहाँ पहुंच जाएगा, तो उसके ऊपर हम आज पूरा तस्करा करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये कॉइन अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपने इसमें कितने डॉलर्स के यानी के पैसों को आपने इसमें एक कन्वर्ट करके आपने रिस्क लेना है, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी, क्या हिकमत अमली आपको इख्तियार करनी चाहिए, वो हम आपको आज शिबा इनू से रिलेटेड तमाम खबरों के मजमुए पर ले जा करके पूरा तस्करा करने वाला है। तो दोस्तों, एक ज़रूरी काम कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज की बात कब कहाँ मिस हो जाए आपके स्किप करने के दरमियान उसमें हमारी नहीं आपकी गलती है। तो बढ़ते हैं जल्दी से शिबा इनू के फ्रंट पेज न्यूज़ पे। उससे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी हमारी तरफ से आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं जल्दी से शिबा इनू न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में शिबा इनू टोकन को लेकर के मार्केट में खबरों का सिलसिला आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज हो चुका है, लेकिन जो अहम खबरें होती हैं हम वही आपसे ज़्यादातर शेयर करते हैं। और इवन के मेरे जो अपने व्यूअर्स हैं, तमाम जो हमारे साथ प्यार करने वाले दोस्त हैं, उनकी तरफ से एक ही सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि सर हमें बताएं कि क्या हम अभी भी बाइंग कर लें, कल बर्निंग है तो हम बाय करके इससे फ़ायदा ले लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 21.3 मिलियन शिप बर्न कर दिए गए हैं पिछले 24 घंटों में, जो कि बहुत ही कम तादाद है क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन देखना यह है कि क्या स्टीवन कूपर की तरफ से जितने भी ट्वीट्स मार्केट में आ रहे हैं वो कल वर्क करते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ ये सवाल पैदा होता है कि इसकी कीमत क्या होगी और आपको इस दरमियान इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंटली जब मार्केट ने अपना हाई लगाया 45,000 का, तो शिब इनू जो था वो फौरी तौर पर 4034 तक पहुँच चुका था, बल्कि 4034.79 तक का इसने मार्केट में हाई लगाया। उस वक्त अचानक एक कम्युनिटी अलर्ट हो गई और उन्होंने मैसेज भी किए, मेल्स भी की कि सर हम अभी से बाय कर लें, जबकि मैं ऑलरेडी आपको एक पॉइंट आउट कर रहा था, इंडिया दे रहा था तकरीबन 15 दिन पहले से ही कि आप शिबा इनू में एंट्री ले सकते हैं 4015 से लेके 4020 में। लेकिन जैसे ही माइनर सी बर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ इसके प्राइस बढ़े, जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका था कि शिबा इनू के ऊपर मार्केट के जो है प्लस होने के कोई असरात हमें 3 दिन तक देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मिलियंस में ही सही इसमें बर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ, इसने 4034 का हाई लगाया। और अब क्योंकि जब मैंने इसको 4034 पे आप दोस्तों को रिकमेंड किया कि अब आपने 4028 पे बाइंग करनी है, तो कई दोस्तों ने माइंड किया कि यहाँ पर तो ये जा ही नहीं सकता सर, अब तो ये ऊपर जा रहा है। लेकिन लिहाजा क्या हुआ, ये डाउन हुआ और बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स ने 4028 पे से बाय कर लिया। और अगर आज की बात करें तो आप अभी इसी वक्त भी सेल करते हैं 4028 पे बाय करने के बाद, तो आप इस वक्त फ़ायदे में हैं। अब बात कर लेते हैं स्टीवन कूपर के, जो इनके सीईओ हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं कि स्टीवन कूपर ओनर एंड सीईओ ऑफ बिगर एंटरटेनमेंट हैज टोकन टू ट्विटर टू शेयर विद द कम्युनिटी हिज विजन ऑफ हाउ इट कैन बी पॉसिबल बर्न टू ट्रिलियन शिप टोकन प्रीटी क्विकली इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों, पहले तो वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ट्वीट में आपको बाद में बता दूंगा कि वो कहते हैं कि अगर मिसाल कूपर बिलीव दैट द शिब आर्मी शुड एक्सपेंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, 11,70,000 होल्डर्स नाउ एट द लीस्ट 2 मिलियन एंड द शिप कम्युनिटी शुड होल्ड एट लीस्ट
294.5 मिलियन ऑफ दीज मीम टोकन्स। तो दोस्तों इस जो ट्वीट का मैं आपको तर्जमा है वो भी पढ़ा देता हूं ताकि आप इससे अंदाजा कर सकें कि वो आप तक मैसेज क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप इंग्लिश में बात करके चले जाते हैं, हमें अक्सर औकात समझ नहीं लगती, तो काइंडली आप उसका मुझे तर्जमा बताएं तो मैं आपको उसका एक पीस ऑफ जो है पेपर वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने स्टीवन कूपर का जो ट्वीट है उसको मैंने जो है उर्दू ट्रांसलेट कर दिया है आपके लिए कि अगर 2 मिलियन होल्डर 2.94 मिलियन शिप रखते हैं तो सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और रियाजी वहाँ है, अब जलाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम शामिल करें और आपके पास एक जीतने वाला मजमुआ है। याद रखें $30 के लगभग 1 मिलियन लोग जल रहे हैं और 1 ट्रिलियन सिक्के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जहन में रखिएगा कि अब उनका जो नेक्स्ट आपके साथ वादा है कल के दिन को लेकर वो ट्रिलियन के साथ जाकर कनेक्ट होता है, मिलियन के साथ नहीं। और अगर कल हमें ऐसा देखने को मिलता है तो यकीनन आपको आज की फिक्र खाई जा रही होगी कि क्या हमें इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों तो बात कर लेते हैं अब शिबा इनू के इस वक्त करंट प्राइस की, तो ये 4029.54 में हमें बाय करने को अवेलेबल है और अपनी पोजीशन मुसलसल बरकरार कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल सुबह की वीडियो में एक अल्टीमेटम दिया था कि आपने 4028 पे इसे बाय कर लेना है और अगर आपने बाय कर रखा है तो यकीनन आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, किसी ने आपके कान में ये बात डाल दी है कि शिबा इनू कल आपको प्रॉफिट देने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ी सी अकल से काम लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने $20 की इसमें एंट्री लेनी है, क्योंकि बिगनर्स को मैं कभी भी ये मशवरा नहीं देता कि आप इसमें $100 से एंट्री लें, क्योंकि शिबा इनू की तरफ से खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक उसी तरह जैसे डोज कॉइन को लेकर भी एलन जो मस्क हैं वो हमेशा कोई ना कोई बात कहते रहते हैं लेकिन बाज़ुकात उसके इफ़ेक्ट नहीं भी देखने को मिलते। यहाँ इस चीज़ का ख्याल करते हुए मैं अपनी तमाम कम्युनिटी के जो सरमाए की हमेशा कदर करते हुए यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत अहम मशवरा देना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि सर हम शिप इनू जो है हमारे पास जो ऑलरेडी पड़ा है वो हम कब सेल करें। तो दोस्तों कुछ लोग तो तकरीबन आज से 5 दिन पहले से मुझे शिकायत कर रहे थे कि सर हम अभी सेल कर दें, तो उन लोगों ने भी तकरीबन फ़ायदा उठाया, तमाम मेरे दोस्तों ने उसमें से अच्छा खासा जो पैसिव इनकम गेन किया, क्योंकि मार्केट जो थी उस वक्त 4024.25 पे खड़ी थी और मार्केट अचानक 4034 पे गई है। आपके सामने 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है शिबा इनू का, आप देख सकते हैं कि आज से 4 से 5 दिन पहले मार्केट ने एक मरतबा 4039 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट डाउनफॉल का शिकार हुई और अगर हम अभी भी देखें तो 3% इसमें प्राइस हमें हाई दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका मैं विजन क्लियर कर दूं कि कल बर्निंग कितनी होती है, मिलियंस में होती है, ट्रिलियंस में होती है या पूरा मंथ जारी रहती है, इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख करके मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपने कल का दिन ज़रूर देखना है, फिर आप चाहें तो अपने शिप इनू को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एक कम्युनिटी खास जो मार्केट में मौजूद है वो इस मीम कॉइन को अपने पास 5-5 साल 3-3 साल के लिए रख के बैठी है। लेट्स सपोज कल का अगर जो है इवेंट वो काम कर जाता है तो आपकी वैसे ही चांदी है, नहीं भी करता तो भी आपको लाजम इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक जहाँ तक हम रिसेंटली न्यूज़ की बात करें तो शिबा इनू 4040 को टच करने की पूरी एबिलिटी रखता है कल को। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें देखना होगा कि आहर जो बर्न हुआ वो किस लेवल का हुआ, और जैसे ही हमें शिबा इनू को लेकर खबरें मौसूल होंगी हम उसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो बना करके देंगे। इफ़ यू आर ओल्ड होल्डर ऑफ शिबा इनू इसे होल्ड रखिएगा, और अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा $20 की बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो क्या सराई मार्केट में चल रही है कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कितने पैसों का हो सकता है, तो दोस्तों ऐसी कोई भी हकीकत मार्केट में मौजूद नहीं है। मेरा काम सिर्फ अपनी कम्युनिटी को अपने दोस्तों को सच से आगाही देना है। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ थी मैं समझता था मैं आप तक पहुँचाकर जो है नेक्स्ट जो हम न्यूज़ के स्टेप पर जाएंगे तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। होपफुली आई हैव डन माई वर्क। याद चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।